Hello everyone, welcome to the another video of Tricity Property Guru and I am Arjun Adhikari and today I'm gonna review to the luxury apartment which is Residencia Rise Up to the Luxury. This project is located on Chandigarh Ambala Highway, Nagla Road, Zirakpur, जहाँ से एयरपोर्ट जस्ट 10 to 15 मिनट्स के ड्राइव पे रहेगा। इसी प्रोजेक्ट के साथ ही माना मंगल स्कूल है। एंड यस, अगर मैं लैंड पैच की बात करूँ तो 5 एकर्स का लैंड पैच रहेगा विच इज़ रेरा अप्रूव्ड एंड यहाँ पर 200 फ्लैट्स हैं विच इज़ S+4 का कॉन्सेप्ट। सो एंट्री एंड एग्जिट रहेगा। एंट्री एंड एग्जिट के साथ ही आपको 26 फीट वाइड रोड मिल जाती है। उसी के साथ सेंटर में यू आर गेटिंग द ग्रीन एरिया जहां पर आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है सिट आउट के साथ में अगेन विद द जॉगिंग ट्रैक्स एंड डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया अलॉन्ग विद द रबराइज्ड फ्लोर। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लब हाउस विच इज़ 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया। यहाँ पर आपको जिम मिल जाता है विद एरोबिक्स, कॉन्फ्रेंस रूम आपको मिल जाता है, डे केयर फैसिलिटी मिल जाती है, ड्राइवर डॉर्मेट्री मिल जाती है। स्विमिंग पूल मिल जाता है 24 by 30 फीट का। इसी के साथ ही जब आप आगे आते हैं द ग्रीन एरिया अगेन विद जॉगिंग ट्रैक अलॉन्ग विद द ओपन जिम एंड बैडमिंटन एंड टेनिस कोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाउनशिप। नाउ लेट मी टेक यू टू द सैंपल अपार्टमेंट। सो दिस इज द मेन एंट्री ऑफ योर हाउस जहां पर एक फ्लोर के अंदर 2 अपार्टमेंट रहेंगे विद लिफ्ट एंड हियर इज द एंट्री। कम सो इट्स 3 BHK अपार्टमेंट कम्स अंडर अ साइज ऑफ 1737 स्क्वायर फीट जहाँ पर एंट्री करते ही यू आर वेलकमिंग बाय दिस ड्राइंग एरिया जहाँ पर यू कैन सी 7-seater सोफा होने के बाद भी यू हैव एम्पल स्पेस फॉर द मूवमेंट। एंड अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इट्स कम्स अंडर अ साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 into 15 जहाँ पर आपको सेम फ्लोरिंग मिल जाती है। इसी के साथ ही आपको फॉल्स सीलिंग भी प्रोवाइड रहेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको प्रोविजन मिल जाएगी फॉर द AC। So behind me is the balcony which is further connected to your first bedroom. This is all about the drawing area. So now let me take you to the dining area. So this is the open dining area comes under a size of approximately 9 into 12 जहाँ पर you can see has a beautiful sitting area. इसी के साथ ही adjoining you are getting the open and modular kitchen comes under a size of approximately 7 into 11 जहाँ पर यू आर गेटिंग दी अपर एंड लोअर कैबिनेट। इसी के साथ ही ड्यूल सिंक आपको मिल जाता है विद ड्यूल टैब एंड ऑल कैबिनेट्स आर सॉफ्ट क्लोजर। यू कैन सी नाइस। इसी के साथ ही आपको ग्रेनाइट टॉप मिल जाता है। प्रोविजन मिल जाती है फॉर हॉब एंड चिमनी एंड यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है। दिस इज़ वेरी गुड स्पेस एंड ओपन किचन होना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ही एडजॉइनिंग मैंने बताया था आपको डाइनिंग एरिया है। यस, इसी डाइनिंग एरिया के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया दैट यू आर गेटिंग दी बेसिक फॉल सीलिंग। नाउ लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। सो इट्स द फर्स्ट बेडरूम विच कैन बी यूज एज अ गेस्ट बेडरूम एंड इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इट कम्स अंडर अ साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11 by 13.5। ये क्लियर रूम साइज़ है क्योंकि यहाँ पर जो आपको वार्डरोब मिल रहा है वो वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल रहा है विद गुड स्पेस। नाइस। इसी के साथ ही इस रूम में आपको जैसी फ्लोरिंग दिखने को मिल रही है वैसी फ्लोरिंग आपको मिल जाती है एंड आपको प्रोविजन मिल जाता है AC का एंड LED का। बिहाइंड मी इज द एक्सेस टू द बालकनी which is further connected to your drawing area. Come. So it's your 6 feet wide balcony जहाँ से आप अपने नेबर्स को हेलो हाई भी कर सकते हैं और इवनिंग की टी कॉफी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही दिस बालकनी इज फर्दर कनेक्टेड टू योर ड्राइंग एरिया। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम। सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम जहाँ पर यू आर गेटिंग दी एंटीस्किड टाइल, फुल लेंथ वॉल टाइल, ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स विल बी देयर एंड हियर इज अ विंडो फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पस। इवन यू आर गेटिंग द स्पेस फॉर द एग्जॉस्ट फैन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। नाउ लेट मी टेक यू टू द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। कम। ग्रेट, ऑसम। स्पेस देख के तो वैसे मेरा दिल खुश हो रहा है। एंड येस, दिस इज द सेकंड बेडरूम विच कैन बी यूज एज अ किड्स बेडरूम। जिसकी मैं साइज की बात करूँ तो इसका साइज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 11x 13.5 का साइज रहेगा, जहाँ पर यू कैन सी कितने अच्छे से चीज़ों को कस्टमाइज किया हुआ है। व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज दिस हाउस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। एंड आगे इस रूम में यू आर गेटिंग दी अगेन वॉल माउंटेड वॉर्डरोब, यानी कि जो आपको रूम साइज मिल रहा है वो कहीं किल नहीं हो रहा, जितना साइज आपको मिल रहा है पर्टिकुलरली वो साइज मिल रहा है। एंड उसी के साथ ही यू आर गेटिंग दी वॉर्डरोब, एंड वॉर्डरोब के साथ ही यू आर गेटिंग दी एक्सेस टू दी बालकनी विच इज फर्दर कनेक्टेड टू योर थर्ड बेडरूम। एंड यहाँ पर भी आपको प्रोविजन मिल जाती है फॉर LED एंड AC। इस रूम के अंदर जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं आज इट इज़ वो फ्लोरिंग प्रोवाइडेड रहेगी। एंड इसी के साथ ही यहाँ का जो ये स्पेस है मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टडी टेबल भी बना सकते हैं या इसी कॉन्सेप्ट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। एंड दिस इज दी अटैच्ड वॉशरूम ऑफ दिस रूम, जहाँ पर यू आर गेटिंग दी फुल लेंथ वॉल टाइल, एंटेस्केट टाइल विल बी देयर एंड ऑल बेडेड फिटिंग्स विल बी देयर। एंड अगेन यू आर गेटिंग द विंडो फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पज, एंड यू आर गेटिंग द स्पेस फॉर एग्जॉस्ट फैन। This is all about the second bedroom of the apartment. Now let me take you to the third bedroom. Come. Wow, awesome. Size awesome and the space awesome and AC के साथ ही master bedroom की जो interior है वो भी awesome. This is the third bedroom which is your master bedroom. You can see कितने अच्छे से customize किया इन्होंने। When you are going to purchase this house ना, definitely आप भी इससे अच्छा कुछ करने वाले हैं। चलिए let me elaborate this room. इस रूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो it comes under a size of approximately 10x 13.6, जहां पर यू आर गेटिंग दी अलग से ही ड्रेस एरिया। जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से यू आर गेटिंग दी एक्सेस टू दी बालकनी। जैसी जैसी आप फ्लोरिंग देख रहे हैं ये फ्लोरिंग इंक्लूड रहेगी। एंड इसी के साथ ही आपको इस रूम के अंदर भी प्रोविजन मिल जाती है फॉर LED एंड AC। नाउ लेट मी टेक यू टू द बालकनी फर्स्ट। So it's your 6 feet wide balcony, जहां पर आपको एंटीस्केट टाइल मिल जाता है। एंड दिस बालकनी इज फॉर द कनेक्टेड टू योर सेकंड बेडरूम। एंड यहाँ पर ये स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप अपने लिए एक स्टोर रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है, जहाँ पर आप अपनी मशीन रख के अपने क्लोथ्स को वॉश कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये बालकनी इतनी वाइड है कि जहाँ पर आप ईजिली 2 और 3 सेटिंग्स रख सकते हैं, जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। Now let me take you to the dress area and the attached washroom of this room. Come. So this is the dress area along with the attached walk-in closet with good space and sliding door. Nice. So here is the washroom, जहाँ पर you are getting the all branded fittings. फुल लेंथ वॉल टाइल आपको मिल जाती है, एंटीस्केट टाइल आपको मिल जाता है, आपको एक ब्रॉड विंडो मिल जाती है, जहां पर यू आर गेटिंग द स्पेस फॉर द एग्जॉस्ट फैन। नाइस। इट्स ऑल अबाउट 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंशिया, जहाँ पर मैंने तो पर्सनली विजिट कर लिया है। मैं चाहूँगा आप भी आएँ और पर्सनली विजिट करें और फील करें इस पूरे टाउनशिप को। एंड यस, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस अपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी। पर्सनली मुझे जो लगी वो ये लगी कि ये अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन है एंड द लोकेशन इज़ वेरी इजीली रीचेबल। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड साथ में ही बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर देना। इसी के साथ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपका एक लाइक चाहूँगा। एंड फॉर मोर डिटेल्स एंड क्यूरी द नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी या।